हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो? बढ़िया है ना? मैं भी बढ़िया। मेरे बारे में पूछ लिया करो, है ना? थैंक यू पूछा आप लोगों ने। चलिए देखिए, अब सी सेट का एक ऐसा टॉपिक आज हम करने वाले हैं जिसको बड़ा ना कैजुअल सा लिया जाता है कि यार ये तो ना पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं अगर आप उठा के देखो ना पास्ट पेपर्स, किसी ना किसी फॉर्म में एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन पूछा जा रहा है। अब आप कहोगे सर ये तो आसान सा टॉपिक है। आसान सा तो है, बट कैसे पता चलेगा कि उसमें हम एलिगेशन कैसे लगा रहे हैं या मिक्सचर कैसे लगा रहे हैं? दैट इज द मेन पॉइंट टू आस्क, कि कैसे पता चलेगा कि हम एलिगेशन या मिक्सचर कैसे पुटअप कर रहे हैं इसमें। समझ आ गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, ठीक है? और देखो, जय अब अगस्त तो आ ही चुका है, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग फटाफट अच्छे से सिलेबस ओवर करके ना अपने बेसिक्स पे काम करें सी सेट के लिए, और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें अगेन एंड अगेन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो जीएस का पार्ट है उसको आप ना डिस्टर्ब करें। क्योंकि अगर लास्ट के 2 से 3 या चार चार तो नहीं, लास्ट के 2 से 3 महीनों में अगर आप करेंगे ना, चार में भी, क्योंकि 2 से 3 3.5 महीने तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएंगे, तो 15 दिन में क्या आप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि सब कुछ कर सके, आई डोंट नो। बट अगर हाँ आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो मैं इंश्योर करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपका स्कोर 80 के आसपास नहीं, 100 के आसपास होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, कम की तो गुंजाइश नहीं। बिकॉज अभी टाइम है, अभी आप लोग अगर धीरे धीरे कछुए की चाल से भी चलोगे ना कि डेली के 15 क्वेश्चन कर रहे हो, एक वर्कशीट कर रहे हो, डेली के 15 से 20 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन, वो भी 2 दिन में, मतलब एक दिन के 12 से 13 क्वेश्चन, तो मुझे उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आपके पास बन जाएगा डेटा कि एंड तक सिर्फ उसी को रिवाइज करने में ना और प्रीवियस ईयर करने में आपका काम ओवर, आप फ्री टू मूव और सी सेट का डर खत्म। चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो LCMS हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कोई भी चैप्टर हो, इजीली करोगे, इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। इसीलिए अभिमन्यु IAS एक नई आपके लिए स्ट्रेटजी टाइप बैच लेके आए, जिसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, लेट मी टेल यू वंस अगेन। देखिए, सबसे पहले कोर्स की डिटेल बता दूं, जो मेरे पास टाइमिंग रहने वाली बेटा वो क्या रहेगी, 3 से 4.5 टाइमिंग रहने वाली है, 4 डेज अ वीक बैच रहने वाले हैं। इस बैच में क्या स्पेशल मिल रहा है जो बाकी प्रोवाइड नहीं कर रहे, व्हाई दिस बैच इज सो स्पेशल। मैंने देखो, मैंने थोड़ी एनालिसिस की और मैंने मतलब खोजबीन की, R&D कहते हैं इसको ना, कि खोजबीन करना, हम टीचर हैं यार, हम भी करते हैं कि भैया कहाँ क्या बच्चों को प्रोवाइड हो रहा है। मैंने देखा मैक्सिमम 30 से 40 घंटे में सी सेट का बैच ओवर कर देते हैं, मैक्सिमम 50 घंटे, इसके ऊपर का चांस ही नहीं होता। कि ठीक है सी सेट ही तो आसान आसान टॉपिक्स हैं, करवाओ और ख़त्म कर दो, कि बच्चों को एक बार करवा दिया, बाकी बच्चे देखें। भाई क्यों देखें, अगर दे आर पेइंग, वो आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो बच्चे क्यों देखें? तो वट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकेडमी और टीचर? पिछले 25 साल से हम रेगुलर है 2200 प्लस सिलेक्शंस के साथ, इसीलिए क्योंकि टिल एंड तक हम बच्चे को नहीं छोड़ते कि भैया करिए करिए करिए, आपने करना ही है, जैसे मर्जी करना होगा आपको। इसीलिए देख रहे हो मेरी बात, 1.5 घंटे का लेक्चर है, इसको 2 घंटे में कन्वर्ट किया जाता है, मैं खुद ही लेता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में अपने आपके डाउट्स, पिछले लेक्चर के डाउट्स, या जैसे मैंने प्रॉफिट लॉस कर लिया तो परसेंटेज रेशो के डाउट्स, ये सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। 90 लेक्चर्स तो आपको लाइव मिलेंगे, ये एक्चुअली लाइव प्लस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस हैं, जो दो इसका मतलब जो ऑन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको इजीली कर सकते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग दैम रिकॉर्डेड वीडियोज ऑल्सो, कि वो रिकॉर्डेड वीडियो देखें, अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में आके पूछ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 लेक्चर्स में क्या मिल रहा है, 50 क्वांट के लेक्चर से बेटा, 25 लॉजिकल के लेक्चर और 15 आपके पास क्या है इंग्लिश के डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं, कन्फर्म है, इतने तो मिलने मिलने वाले। उसके बाद 15 मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर लेक्चर्स, 50 प्लस मिलेंगे आपको मल्टीपल चॉइस प्रिकॉशन प्रैक्टिस सेशंस, और 30 प्लस क्या मिलेगी, लाइव मेंटरशिप सेशंस। यानी मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि कैसे कवर करना है, कैसे करना है, कैसे इन चीज़ों को कवर अप करना है, कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही उसको कैसे करें, बड़ी सारी चीज़ें बच्चों के डाउट्स होते हैं, तो वो मेंटरशिप सेशंस में सारी आपकी क्लियर होंगी। तो कितने मिल रहे हैं, 180 प्लस लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, तो सोचिए क्या इतने लेक्चर करने के बाद, और हर लेक्चर में आपको अलग से प्रैक्टिस शीट भी मिलती है, जो
और वीकली आपका टेस्ट तो है ही है, वो यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, बट वीकली आपका हर संडे को 1 बजे टेस्ट भी होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड टेस्ट होता है। क्लियर? सो इतना सब कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हमारी तरफ से। चलिए अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अलॉय ए एंड बी कंटेन कॉपर एंड जिंक इन 7:8, यानी Cu एंड जिंक। पहली कंडीशन में कितना बेटा ये 7:8, ठीक है, एंड 4:1, और सेकंड कंडीशन में कितना है 4:1। क्लियर? रिस्पेक्टिवली इन व्हाट रेशियो शुड ए एंड बी बी मिक्स टू ऑब्टेन द न्यू अलॉय कंटेनिंग सी कॉपर एंड जिंक। ठीक है, देखो ये कितना है मेरे पास, अगर मैं कॉपर की बात करूँ टोटल 15 है, 7/15, और ये कितना है अल्टीमेटली फाइनली मुझे कितना चाहिए, फाइनली चाहिए 2:1। ठीक है, यानी ये कितना होगा 4/5, और अल्टीमेटली कितना चाहिए मुझे 2/3। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, दिख रहा है मुझे रेशो बट एलिगेशन लगाएंगे इसमें हम। इसका मतलब कॉपर शुरू में कितना था 7/15, कितने में मिलाएंगे 4/5 में, अल्टीमेटली चाहिए कितना 2/3, तो 15 3 45, एलसीएम ले लो 15 5 और 3 का आएगा 45, तो इसे 45 से कर दो मल्टीप्लाई इनटू ऑफ 45, 15 3 45, 5 इनमें 45, 3 15, तो बेटा ये कितना रह गया 3 7 21, 9 6 36, और 15 2 30, कर दो जी क्रॉस मल्टीप्लाई 6, और ये कितना है मेरे पास 9, तो ये कितना आ गया मेरे पास 2:3। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहा हूँ मैं। चलिए 3 बॉटल्स ऑफ सेम कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी का मतलब क्या है कि तीनों में सेम नंबर सेम क्वांटिटी आएगी, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ठीक है, 30 40 एंड 25, 30 40 ऑरेंज जूस, देखो ऑरेंज जूस आ गया, कुछ एप्पल जूस है। सो पहले की बात करो, अगर 30 ऑरेंज है तो एप्पल कितना होगा 70 होगा। चलो दे आर फिल्ड अप कम्प्लीटली बाय एडिंग एप्पल जूस, द कंटेंट्स ऑफ द 3 बॉटल्स आर कंपाइल्ड इनटू अनदर वेसल, एम्प्टीड इनटू अनदर वेसल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर। और ऑप्शंस क्या है मेरे पास, 650% 68 1/3%, 51 2/3% एंड 72। ये तो हो नहीं सकता, 100 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो हटा दो। ठीक है, देखो सेकंड कितना है मेरे पास, सेकंड 40:60, और थर्ड कितना है मेरे पास 25:75। देखो टोटल कितना है मेरे पास, टोटल तो आपको पता है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, और ये भी कितना है 100 है, तो टोटल कितना आ गया, टोटल तो अपने पास बेटा 300 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया 300। ये कितना है 7 7 14 6 20, और 205 into of 100%, तो भाई करो कैंसिल, ये कितना है 205/3%, यानी कितना 68 1/3%, 6 3 18 180 8 3 24 1 25, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट आपको सही अप्रोच पता होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को करते हुए, ध्यान रखिए, प्लीज ध्यान रखिए, बी मतलब अटेंटिव, या कहो बी थोड़ा संभल के रहना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, कहने का मतलब ये, आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड टू से, चलिए अटेंशन चाहिए इस तरह क्वेश्चंस के लिए। 1 कप हैज जूस एंड वाटर इन 5:2, यानी जूस एंड वाटर इन 5:2, वाइल अनदर कप ऑफ सेम कैपेसिटी हैव द रेशो 7:4। देखो सेम कैपेसिटी है 7:4, इफ कंटेंट्स ऑफ बोथ कप्स व्हेन फुल आर पोर्ड इनटू अ वेसल देन व्हाट विल बी द फाइनल रेशो ऑफ वाटर टू जूस। देखो उसने यहां पे भी क्या बात बोली है, सेम कैपेसिटी, इस वर्ड को याद रखो, सेम कैपेसिटी का मतलब क्या है, दोनों में सेम नंबर ऑफ या सेम कहोगे क्वांटिटी आएगी, तो ये कितना है 7 और ये कितना 11, तो कैसे बराबर बनाएंगे बेटा, इसको कर दो 11 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो आप 7 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 55:22, और ये कितना हो गया 14:28। इतनी सी बात समझ आई होगी इजीली। अब देखो ये कितना हो गया मेरे पास, ऐड करो इसको ज़रा 104, और ये कितना हो गया 50, तो ये कितना हो गया मेरे पास 52:25। बट क्वेश्चन में
बी देखो मेरे हिसाब से ए आंसर आ गया मेरा, बट क्वेश्चन पूछा क्या है, वाटर टू जूस, वाटर टू जूस कितना है 25:52 ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखो ये आंसर गलत हो गया, पहला ही आंसर दिया हुआ है कि बच्चा फटाफट आएगा और मार्क कर दिया गलत क्वेश्चन, तो ध्यान रखो थोड़ा सा, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है। अ वेसल कंटेंट अ सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर हैड 64%। देखो वाटर एंड एसिड, अगर 64 वाटर है तो बेटा कितना 36 आपके पास एसिड होगा, होगा इसको काट दो, जरा कितना है 16:9। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि इसमें से 4 लीटर सोल्यूशन आपने निकाल लिया, देखो 4 लीटर सोल्यूशन निकाला, इसका मतलब वाटर और एसिड का जो रेशो रहेगा वो अभी भी कितना रहने वाला है। आपने जैसे नींबू पानी बनाया है ना, उसमें से एक गिलास निकाल लिया, बाकी का टेस्ट भी उसके बराबर ही होगा, इजंट इट, यही तो बात है। अच्छा उसने क्या बोला, एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडिड, तो मेरे पास सोल्यूशन कितना 30% एसिड रह गया, यानी 30 एसिड है तो 70 मेरे पास क्या होगा, यानी अगर मेरे पास वाटर और एसिड पहले 16:9 थे, अब कितने रह गए 7:3। कुछ सोच के देखो, ये रह गए, बट अभी एक चीज़ मिस हो रही है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ सेम क्वांटिटी वाटर इज एडिड, अगर वाटर को मैंने ऐड किया तो क्या मेरे पास एसिड बराबर होना चाहिए, यस, यही कंडीशन है इस तरह के क्वेश्चन को ब्रिलियंट तरीके से करने की। तो भाई एसिड बराबर बना दो, कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 16:9 था तो कितना हो गया 21:9 हो गया, हो गया। इसका मतलब आपने वाटर ऐड किया था कितना, यहाँ पे 5 यूनिट ऐड हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना किया मैंने 4 लीटर कहाँ मेरे ख्याल 4 लीटर डिजिट में नहीं है, इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5/4/5 लीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, तो क्या करो इसकी वैल्यू निकाल लो, 16 9 25 आ गया, तो 25 की वैल्यू कितनी 25 × 4/5, तो ये कितना होगा 5 × 20 लीटर आ गया। इसका मतलब जब 4 लीटर आपने निकाल रखा होगा तो मेरे पास कितना होगा 20 लीटर, इसमें 4 और ऐड कर दो, इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी यानी कितनी है 24 लीटर, इसका मतलब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24। क्वेश्चन किसकी वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, वाटर, वाटर कितना है मेरे पास 16 यूनिट्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 24/25 और उसको कर दो 16 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा आपके पास। देखो अगर मैं बाई चांस इसको 25 ही मान लो, तो 16 है ना, तो 16 से थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा मेरा, वो कितना है 15.36। तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बताया आपको मैंने कि क्यों करना है, कि यहाँ पे मुझे कांस्टेंट क्वांटिटी क्यों रखनी है और रेशो सेम क्यों रहेगी, ये समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आगे भी आपको पता चलता रहे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अ बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड 3 पार्ट विच आर वाटर एंड 7 पार्ट मेडिसिन, सो वाटर और मेडिसिन, ठीक है, 3 पार्ट वाटर 7 पार्ट मेडिसिन। वट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस, देखो सबसे पहली बात रिप्लेस करना है विद वाटर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज वाटर एंड मेडिसिन इन 1:1। एक बात बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला है, रिप्लेस विद वाटर, अगर वाटर से रिप्लेस करोगे तो क्या मेडिसिन जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी, सोच के देखिए आपने किया क्या क्वेश्चन में, यही तो किया है, ट्राई टू मेक अ सेंस। उसने क्या बोला है पहले 3 पार्ट वाटर 7 पार्ट मेडिसिन, ये उल्टा लिख दिया शायद मैंने, ये मेडिसिन और ये वाटर है, ठीक है, विच आर 7 पार्ट मेडिसिन, एक मिनट, 3 पार्ट और वाटर, नहीं उल्टा ठीक लिखा था वो, वाटर और मेडिसिन, 3 पार्ट विच आर वाटर एंड 7 पार्ट आर मेडिसिन। उसने क्या बोला क्वेश्चन में, वट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस विद वाटर सो दैट, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि जब आप रिप्लेस करोगे तो क्या इतना ही रहेगा, है ना, जब आपने रिप्लेस किया तब भी वाटर रेशो मेडिसिन कितना रहेगा 3:7 रहेगा, और एंड में कितना हो गया 1:1 हो गया, अभी भी वही बात है, आपने वाटर से रिप्लेस किया तो मेडिसिन सेम रहेगी, इसका मतलब टोटल अगर 10 थी ये कितनी होगी 7:7 = 14, इसका मतलब आपने, इसका मतलब यही है ना कि आपने जितनी क्वांटिटी निकाली उतनी क्वांटिटी डाल दी,
क्वेश्चन ने क्या बोला, शुरू में आपने जो भी पार्ट निकाला था उतना ही पार्ट अब आपने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया, तो इनिशियल मिक्सचर हैज टू बी इक्वल टू फाइनल मिक्सचर। इसका मतलब शुरू में जो आपके क्वांटिटी रही होगी ना 14, निकलने के बाद कितना 10, यानी कितने रिप्लेस किया 4/14 में, तो आंसर इज 2/7। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा, अगर ना क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है। इज दैट क्लियर? सो दीज वर टूडेज ब्रिलियंट 5 क्वेश्चंस। सो प्लीज गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड चैनल, थैंक यू। चलिए अब आपको नेक्स्ट बता दूं मैं, देखिए नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज, जो एक हटके कॉन्सेप्ट है, ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी सिलेबस कर चुके हैं बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लैग है, मतलब कुछ ना कुछ वो मिस कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब हाउ विल दे डू, वो करेंगे उसी चैप्टर को जो उनको चाहिए, पूरा कोर्स नहीं परचेज करना है इसमें। देखिए जरा इसमें आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स, मैं जब चूज एग्जाम वी हैव टू चूज सी सेट। देखिए सबसे पहले कि आपके लिए फायदेमंद चीज़ें क्या क्या हैं, आप यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, टेस्ट कोर्सेज देख सकते हैं, यहाँ वीडियो कोर्सेज, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल वीडियोज एंड PDFs, ऑनलाइन UPSC ऑनलाइन सीसेट टॉपिक वाइज माइक्रो कोर्स। यहाँ पे 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर डालो, कॉल मी या व्हाट्सएप, जैसे आप कहेंगे टीम वैसे आपके साथ जुड़ेगी, और फटाफट से जुड़ जाओ, बता रहा हूँ समय नहीं है, समय वेस्ट करना बंद कर दो स्टूडेंट्स। देखिए जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करता हूँ मैं, चेक बंडल, पूरा बंडल 3354 का है, ठीक है, वो भी चल रहे हैं, बट क्यों लें जब मुझे चाहिए सिर्फ नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम से तकरीबन 1/4 पेपर आया था इस बार, 10 लेक्चर से सिर्फ और सिर्फ 324 रुपये का, यानी 32.4 रुपये एक लेक्चर, बट उसमें क्या मिल रहा है आपको 421 क्वेश्चन और 9 वेब नोट्स। वेब नोट्स क्या होते हैं, बटर वेब नोट्स के बारे में बच्चे पूछते हैं कि सर वेब नोट्स क्या है, वेब नोट्स वो होता है जिसके अंदर आपको सारा का सारा रिटर्न फॉर्म में मटेरियल मिलता है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट है जैसे सिंप्लीफिकेशन है 15.23। अब जैसे सिंप्लीफिकेशन के 117 क्वेश्चन है, आपके पास 114 रुपये में 4 वीडियोज हैं, 1 वेब नोट्स है, और 117 क्वेश्चन। अब 117 क्वेश्चन क्या है, इन 117 क्वेश्चन को आप टेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि जैसे कोई एक्सपेरेंट है वो तैयारी कर रहा है, उसने ये सारा देख लिया, अब वो चाहता है मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो मिले बट इन द टेस्ट फॉर्म, कि मैं अपने आपको टेस्ट कर सकूं, तो इन 117 क्वेश्चंस को आप 25-25 30-30 का बंडल बना के टेस्ट के तौर पर दे सकते हो, और सेम वैसा ही होगा पैटर्न जो UPSC में आपसे पूछा जाता है, समझ आ गई। तो दीज आर सम स्पेशल फीचर ऑफ दिस, ठीक है, ऐसे सब है, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी, प्रॉफिट लॉस सब है। अच्छा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आपके पास देखो कितने सारे हैं रिसोर्सेज हमारे पास, और ये सिलेक्टेड स्टूडेंट से देख सकते हो अवर सिलेक्शंस, रैंक हैं सबके 360, 390, ठीक है, 127 रैंक है, 91 रैंक, 87, 80 और 61 है चेस में भी, ठीक है। सो दीज आर सिलेक्टेड स्टूडेंट, देखो रैंक 4, रैंक 8, रैंक 13, रैंक 16, रैंक 23, तो दीज आर सम जेम्स, ये चुनिंदा बच्चे हैं जिन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन दिया फोकस का, किस पे, कि सी सेट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना से सी सेट किए तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है मेरे पास जैसे लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक, इसका भी पूरा है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी देखो पूरा है मेरे पास, दिखाऊं मैं आपको पूरा, देखो 403 रुपये का सारा इंग्लिश है, और क्या देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 100% आता है कन्फर्म है, ठीक है, वर्ड बिलिंग ये भी हमारे पास, ये एडिशनल दिया होगी, आ जाए तो आप कर सकते हैं, कई बार आए होगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो, थैंक यू। और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, चाहे वो फुल कोर्स का हो बेटा जो भी स्टार्ट ही हुआ जस्ट, और चाहे वो माइक्रो कोर्सेज का हो, थैंक यू।